नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम चल रहे हैं, जिसमें हमने जीडीपी के बारे में देख लिया था, एनडीपी के बारे में देख लिया था और जीएनपी के बारे में देख लिया था। चौथा हमारा टॉपिक है एनएनपी, जिसे हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोटेक्शन प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यह भी एक अर्थव्यवस्था को नापने का एक सबसे अच्छा तरीका है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को अच्छे ढंग से पता करने के लिए उस देश की अर्थव्यवस्थाओं का आकलन किस तरीके से पता लगाया जाता है, यह एक जीडीपी से पता लगता है, एक एनडीपी से पता लगता है, एक जीएनपी से पता लगता है और एक एनएनपी से पता लगता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा ढंग से पता करने के लिए हमने सभी तरीके से, तीन तरीके से अर्थव्यवस्थाओं का पता किस तरीके से लगाया जाता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कितने अच्छे ग्रो कर रही है, उस देश की अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरीके से हमारा चौथा उपयोग के बारे में देखते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी का एक चौथा उपयोग है एनएनपी, जो एक देश के राष्ट्रीय आय का पता लगाने में एक मददगार होती है। किसी देश की, किसी अर्थव्यवस्था के बाद की राष्ट्रीय आय किस तरीके से है, किसी राष्ट्रीय आय पर, राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था पर किस तरीके से प्रभाव डालती है, ये इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जीएनपी के बारे में देखते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे जीएनपी भी कहते हैं, एनएनपी के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जिसे जीएनपी भी कहते हैं, में से मूल्य कटौती को घटा देने के बाद जो आय बचती है उसे किसी अर्थव्यवस्था की शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पे जीएनपी क्या है। तो देखिए, जीएनपी के बारे में हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आपसे बता दिया जीएनपी, एनडीपी और जीएनपी तीनों के बारे में हमारी अलग से वीडियो है, जो इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें अंदर हमने तीनों की अलग अलग वीडियो बना दिया, जिसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं उनके बारे में अच्छे से। और उनके बारे में अगर शॉर्ट रूप में देखें तो जीएनपी क्या होती है, तो देखिए जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी प्लस विदेशों से होने वाली आय जो लाभ या हानि में हो सकती है। अब वो कौन कौन सी आय है जिसको आप यहाँ पर जीएनपी की वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहां पर विदेशों से होने वाली आय के बारे में हमने बता रखा है कौन कौन सी आय को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, जो जिसके कारण वह लाभ और हानि में बदलती है। तो वहां पर आप देख सकते हैं विदेशों से होने वाली आय और जीडीपी को अगर जोड़ दिया जाए तो जीएनपी यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, और जीएनपी में से हम अगर घटा दे मूल्य कटौती को तो हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर एनएनपी, यानी एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्य कटौती। इस तरीके से हम इसे एनएनपी को इसे भी कह सकते हैं, जीएनपी प्लस विदेशों से होने वाली आय जो लाभ या हानि में हो सकती है माइनस कर दिया जाए उसमें से मूल्य कटौती, तो हमारे पास आ जाती है एनएनपी। अब जीडीपी के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे जीडीपी शब्द आया है तो जीडीपी के बारे में आप अलग से देख सकते हैं, लेकिन एक सूत्र रूप में हम यहाँ पे बता रहे हैं जीडीपी किस तरीके से याद की जाती है, कुल प्रोडक्ट प्लस सर्विस और विदेशों में निर्यात माल, अगर तीनों को जोड़ दिया जाए और उसमें से घटा दिया जाए विदेशों से आयात माल को, तो हमारे पास आ जाती है जीडीपी। अब हम बात कर लेते हैं, इस तरीके से हम एनएनपी याद करते हैं, आगे बात करते हैं एनएनपी को याद करने का, एनएनपी का उपयोग क्या है कि इसको निकाला जाता है। तो देखिए, यह किसी भी अर्थव्यवस्था की किसी भी राष्ट्रीय आय है, यह किसी भी अर्थव्यवस्था की एक राष्ट्रीय आय, यद्यपि जीएनपी, एनएनपी और जीडीपी, एनडीपी और जीएनपी ये तीनों भी राष्ट्रीय आय होती है, लेकिन इन्हें नेशनल इनकम के रूप में नहीं लिखा जाता है, लेकिन जो एनएनपी होती है उसे नेशनल इनकम के रूप का लिखा जाता है। यह किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का आकलन करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। किसी देश के अगर राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए कहा जाए तो ये एनएनपी एक राष्ट्रीय आय को निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका माना जाता है अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। एनएनपी को देश की कुल आबादी से भाग देते, मतलब जो एनएनपी हमारा आता है उसमें अगर किसी देश की कुल आबादी का भाग दे दिया जाए तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय सालाना, एक व्यक्ति की जो सालाना प्रति व्यक्ति आय है या आय का पता चल जाता है, इसलिए इसको एक नेशनल इनकम के रूप में लिखा जाता है। आज हम बात करते हैं, अलग अलग देश की मूल्य कटौती की दर अलग अलग होती है, जो यहाँ पर मूल्य कटौती घटाते हैं उसकी एक दर होती है जिसे वहां की सरकारें अलग अलग देश की अलग अलग सरकारें घोषित करती है, जो अलग अलग दरें होती है अलग अलग देश की। ऐसे में किसी देश की मूल्य कटौती की दर ज्यादा होती है तो प्रति व्यक्ति आय सालाना
कमी आती है। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, जिस देश की मूल्य कटौती की दर ज्यादा होती है, तो मूल्य कटौती की दर ज्यादा होने के कारण वहां के प्रति व्यक्ति की जो सालाना की आय हो जाती है, आय होती है, उसमें कमी आ जाती है। यही वजह है कि मूल्य कटौती का इस्तेमाल नीति निर्माण में एक हथियार के तौर पर किया जाता है। मतलब एक मूल्य कटौती को हथियार के रूप में देश की सरकार काम में लेती है नीति निर्माण के रूप में। अर्थव्यवस्था को किसी भी संपत्ति का मूल्य की कटौती करने का प्रस्ताव दिया जाता है जब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एशियाई बैंक जैसे वित्तीय संस्थान नेशनल इनकम के आधार पर देशों की तुलना करती है। जब नेशनल इनकम के आधार पर किसी देश की तुलना की जाती है, किसके द्वारा? आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक या एशियाई बैंक, इन तीनों के बारे में आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं, जो आपको वीडियो के लास्ट में आपको एंड स्क्रीन पे दिख जाएगी, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर से आप देख सकते हैं इन तीनों के बारे में अलग से हमारे पे। तो देखिए, संपत्ति के मूल्य की कटौती करने का प्रस्ताव दिया जाता है, अर्थव्यवस्था के किसी भी संपत्ति के मूल्य की कटौती करने का प्रस्ताव दिया जाता है, मतलब किसी भी संपत्ति में संपत्ति के मूल्य में कटौती कर सकता है किसके आधार पर? आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशियाई बैंक जैसी संस्थाएं नेशनल इनकम के आधार पर किसी देश की तुलना करती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एनएनपी का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा एनएनपी का टॉपिक एक तरीके से यहाँ पे क्लियर होता है। और उसके अलावा भी अगर आपको लगता है एनएनपी में अगर आपको कोई बात छूट गया तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखिए हमारा इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक चल रहा है, उसमें हमने इंडियन इकोनॉमी के अभी तक 4 वीडियो बनाए और बाकी की वीडियो हम लेटेस्ट रोजाना प्रत्येक एक वीडियो आपको मिलेगी।